माय एकेडमी लखनऊ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज बात करेंगे यहां पे पीआरटी यूपी पीआरटी का, पीआरटी मतलब सुपर टेट शिक्षक भर्ती का जो टेस्ट हुआ था, स्पीड टेस्ट जो होता है हर सप्ताह संडे में, उसके टेस्ट नंबर की बात करता हूं 786/09 की। इसकी सॉल्विंग मैथ सेक्शन की बात करता हूं, मैथ सेक्शन में जो दिक्कतें होती हैं है ना, नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन तो उनकी सॉल्विंग की बात करें, बट तरीकों की बात करेंगे अपने, बट थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 128 आप देखिए, इसकी पीडीएफ फाइल आपको लिंक दिया होगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको देख लीजिएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 128 की बात करें, पहला क्वेश्चन दिया है 500 रुपये, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है और दुकानदार 5% की छूट देता और फिर भी 25% का लाभ कमाता है। बात को समझिएगा, हम एक चीज़ यहाँ बनाता हूँ, यहाँ पर MRP देता हूँ और यहाँ पर सेलिंग प्राइस। भाई कोई चीज़ MRP का मतलब अंकित मूल्य, उस पर छूट देगा 5% की बेचेगा, और खरीद लाभ किस पर मिलता है, CP पर लाभ मिलेगा तो उसके बाद बेचेगा। तो कह रहा कि 5% का छूट देता, 5% का मतलब बट परसेंट हटाएंगे, 100 से भाग करेंगे तो आएगा 1/20, 20 पर 1 का छूट देगा तो बेचेगा कितने पे, 19 पर। क्लियर होगी भाई, 5 पर 24 पर 1 छूट देने के बाद क्या होता है, क्योंकि परसेंट का मान अंश का मान होता है, जिस तरीके 100 पे 5 की छूट, उस तरीके 20 पर कितने की छूट, 1 की छूट देता है, तो 20 पर 1 की छूट देगा 19 हो जाएगा, और फिर कह रहा 25% का लाभ कमाता है। तो ये डिस्काउंट हो गया, ये MRP हो गई, यहाँ पे यहाँ 25% का लाभ कमाता मीन्स 1/4, 100 पर 25 का लाभ कमाता है, तो यहाँ पे बताइए CP 4 होगा, 1 का प्रॉफिट कमाएगा। तो यदि 4 रुपये की चीज़ रही होगी, 1 का लाभ कमाएगा, बेचे कितने पर, 5 पर। बात को समझिए, रेशियो मेथड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि 20 रुपये की चीज़ पर 1 की छूट देगा, 19 के बेचेगा, और 4 रुपये पे 1 का लाभ कमाएगा। तो दोनों तो ये क्या है, सेलिंग है ना, सेलिंग हमारी बराबर होनी चाहिए, सेलिंग प्राइस बराबर होनी चाहिए। तो 1905 का एलसीएम 95, इसको 95 करने के लिए सर क्या कर सकते हैं, इसको 95 करने के लिए आप इसको 5 का गुना इधर, तो 5 गुना इधर भी, और 19 इसको 95 19 गुना इधर, तो 19 गुना इधर भी, सही ना। तो अब क्या करना होगा, यहाँ पे जरा देखिए, ये 20 कितना हो जाए, 20 × 25 100, 100 रुपये छापी थी, 19 × 95 का क्या किया, बेचा है, लेकिन लागत हमारी 1900 का कितना आया, 76 रुपये। तो 76 रुपये का खरीदा, 100 रुपये पे छापा और 95 रुपये पे मैंने क्या सेलिंग किया। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ कि वस्तु का अंकित मूल्य 500, यहाँ पे देखिए वस्तु का अंकित मूल्य 100 पॉइंट्स, हकीकत में कितना लिखा है, 500 रुपये। तो 100 पॉइंट 500 के बराबर, तो 1 पॉइंट बताओ कितने के, 5 रुपये के बराबर, 1 पॉइंट कितने के, 5 रुपये के बराबर है। तो क्वेश्चन में बोला है वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा, 1.5 रुपये के बराबर, तो लागत मूल्य हमारा CP कितना है, 76, तो 76 गुना कर देंगे यहाँ पे 5, जब 1.5 रुपये हकीकत के बराबर, तो 76.6×5=30, 0 हासिल बचे 3, 6×7=35, और 3 कितना हो गया, 38, तो 380 रुपये था। यहाँ पे ऑप्शन में कोई होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिख रहा है सीधा सीधा, तो ऑप्शन नंबर डी दिस, क्लियर। अगला क्वेश्चन है 139, राधिका ने 250,000 रुपये में एक कार खरीदी, अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिर गई तथा पुनः अगले वर्ष 12% गिर गई, इन दो कारों में कीमत में संपूर्ण घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कितने परसेंट की घटोत्तरी हुई। शायद नोट कर चुके होंगे, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये मेथड आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि जो पढ़े होंगे हमसे उनको समझ में आएगा, और ये सबसे आसान मेथड करने का और भी है, बट ये सरलीकरण, जिसको परसेंटेज का थोड़ा बहुत ज्ञान होगा तो वो समझ गया होगा। अगला देखिए क्वेश्चन है 250,000, अच्छा संपूर्ण परसेंट का आंसर परसेंट में देने के लिए कभी भी मेन डेटा का प्रयोग नहीं होता, 250,000 का हम प्रयोग कभी करेंगे भी नहीं। आप देखिए यहाँ पे पहली बार 10% घट गई, तो 10% का मतलब सर 10% बोलते हैं 1/10, कि 10 रुपये की चीज़ रही होगी ये मेन, उसके बाद घटने के बाद 100 पे 10 की कमी आई, तो 10 पर कितने की कमी आई, 1 की कमी, तो कितना हो गई होगी, 9 हो गई घटने के बाद। उसके बाद फिर कह रहे 12% की कीमत कम हो गई, 12% का मतलब समझिए ऐसे 12/ कितना करेंगे 100, और काटूंगा 4 से, तो 4×3=12 और नीचे 25, जिस हिसाब से परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, 4 से ऊपर 4 से नीचे, 25 पर 3 की क्या हुई, 25 पर 3 की कमी हो गई, मतलब संख्या कैसी हो गई, 22 हो गई। तो दो बार कमी हुई, एक बार 10% 100 पे 10 करेंगे 90 हो जाएगा, 1×0 खत्म हो जाता, वही बचेगा 10 से 90,
मतलब 10 से 9 हो गया। दूसरा, जब यहाँ पे 4% 1/25 के बराबर था, 4 × 3 = 12% कितना 3/25 के बराबर होगा, तो 25 पर 3 की कमी आएगी, कम हो जाएगा, तो 25 से 22 हो जाएगा। जल्दी है, 25 × 250, ये 9 × 2 = 18 और 9 × 2 = 19, 250 रुपये की चीज़ 192 रुपये होगी, 198 रुपीस। तो आप देखिए 50 रुपये इधर सीधा सीधा और दिए, 52 रुपये की कमी आई, किस पर सर? 250 पर। कमी और वृद्धि कहाँ पे? स्टार्टिंग वाली वैल्यूज देखी जाती, 250 से 198 रुपये हो गए, जो कमी आई परसेंटेज की बात करूँगा अभी, तो 52 की कमी कहाँ से? 250% बनाने के लिए 100 से गुना कर दीजिए परसेंट का चिन्ह, 50 × 2 = 50, 4 × 100 होता 8 × 2 = 200 होता है, 50 × 2 = 100 होता 4 × 2 = 200 होगा, तो ये 5 बार जाऊँगा, तो 50 × 5 = 250, तो ये हो गया। और ये देखिए पूरा 52 हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 5 × 2 = 10, और इसको 5 से भाग कर दीजिए, 5 × 2 = 10 = 20, 4/5%। तो 52 × 104 हो गया, 104 को 5 से भाग किया तो आ गया 20 सही 4/8, या बोल सकते 20.8%, 4/8 को भाग करें 0.8% आएगा। क्लियर? तो ये आपके पास क्वेश्चन आ गया होगा 139, क्वेश्चन नंबर 130 की बात करूंगा सर, तो इसको मिटा रहा हूँ। एक बार भी परसेंटेज को थोड़ा बहुत ही हमसे बड़ा होगा तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत क्लियरिटी समझ में आ गई, बाकी लोगों को समझ नहीं आएगी बहुत सारी, क्योंकि तरीका अपना अपना होता सबका। जो हमारे यहाँ पढ़ रहे होंगे सारी चीज़ें बहुत आसानी से आ जाएंगी। तो यहाँ पे 248 + 52 और नेक्स्ट 144, आप देखिए किसका ही वर्ग है, ये 12 का वर्ग है, 12 का वर्ग यहाँ जुड़ेगा भाई, इसका मान कितना हो, 12 × 144, बाहर कभी वर्गमूल से बाहर आना है तो अंदर में 2 1 जैसा हो जाएगा, 12 × 12 हो जाएगा, सिंगल बाहर आएगा, 12 52 में जुड़ेगा तो हो जाएगा 64, 64 से बाहर आप समझ सकते हैं 8 × 8 = 64, 8 × 8 = 2, 2 1 जैसा होगा, सिंगल बाहर आएगा, 8 यहाँ पे हो जाएगा, अंदर में हो जाएगा 256 से बाहर आएगा 16, ये भी एक तरीका है, 16 आंसर आएगा। या आप देख सकते हैं 248 के बाद कौन सी ऐसी संख्या जो किस संख्या का वर्ग है, 256 आ रहा है, तो 16 सीधा सीधा आ रहा आंसर, तो 16 यहाँ पे आंसर इसका आ जाएगा। चलिए अगले ही बात करूँ 131 क्वेश्चन की, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है तो तब भी यहाँ पे करवा दे रहा हूँ। माना की दिशाओं को इस प्रकार घुमाया जाए कि जहाँ दक्षिण पूर्व दिशा वहीं उत्तर प्रदर्शित की जाए, दक्षिण पूर्व को उत्तर प्रदर्शित कर रहे हैं, तो जरा देखने का प्रयास करें किस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, जरा देखिए यहाँ पे, देखिए अब हम कैसे करेंगे, ये पूरब पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये सबको पता ही है, तो आप देख सकते हैं कह रहा कि क्वेश्चन ये देखिए, ये पूरा ये उत्तर पश्चिम हो गया, ये उत्तर पूर्व हो गया, ये दक्षिण पूर्व हो गया, ये दक्षिण पश्चिम हो गया, तो आप क्वेश्चन ये कह रहा सबसे पहले उत्तर फिर पूर्व बोलेंगे, फिर उत्तर फिर सॉरी उत्तर पश्चिम फिर उत्तर पूर्व फिर दक्षिण पूर्व इधर दक्षिण पश्चिम। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जहाँ दक्षिण पूर्व का मतलब ये सॉरी दक्षिण पूर्व, ये वाला सेक्शन क्या हो रहा है, उत्तर बन रहा है, उत्तर का मतलब समझ रहे ना, मतलब ये पहले 45 डिग्री ये 90 डिग्री है यहाँ पहुँच रहा है, तो कह रहा क्वेश्चन में कह रहा कि पश्चिम दिशा किधर दर्शाई जाएगी, तो सर पश्चिम कहाँ है, ये पश्चिम का मतलब ये यहाँ आ जाएगी, पश्चिम दिशा यही आएगी ना भाई, 90 ही है 35 ही है, तो सीधी सी बात आप समझ रहे होंगे कि दक्षिण पूर्व हो जाएगी, तो ये ऑप्शन में दक्षिण पूर्व का ऑप्शन है। इसके अलावा क्या हो सकता है, देखिए यदि ये उत्तर बन रहा है और इधर पे जाएं तो यहाँ पे आएंगे, तो कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग सही होगा, यहाँ पे राइट हैंड में चल रहा है, यहाँ से ये बन रहा है कि दक्षिण पूर्व, यहाँ पे दक्षिण पूर्व दिशा वही उत्तर प्रदर्शित कर रही, यहाँ पे 45 ये और 90 हो रहा है 135 उत्तर, वही हो रहा है दक्षिण पश्चिम दिशा सॉरी पश्चिम दिशा, तो पश्चिम ये है और ये राइट हैंड में चलें 45 डिग्री तो आएगा आपको दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, बट इसके अलावा और क्या हो सकता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो, यदि यहाँ पे 95 पे जाएं तो यहाँ पे आएगा उत्तर पूर्व,
तो उत्तर पूर्व आप पे ऑप्शन है सी, तो इधर भी ऑप्शन माना जाता है, आप इस साइड में ही चल सकते हैं, तो उत्तर पूर्व का ऑप्शन है तो उत्तर पूर्व भी सही होगा अकॉर्डिंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132, किसी संख्या का 16% जब 21 में जोड़ा जाए, 21 से जोड़ा जाए, जब किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है, तो क्वेश्चन को देखने का प्रयास करें कितना होगा। 16% जब 21 से जोड़ा जाए, 21 से जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है, तो आप बात कर सकते हैं कि जब 21 से जोड़ा जाए, 21 में जोड़ा जाए, बात तो है 21 में जब 21 का 16% जोड़ देंगे तो संख्या स्वयं एक्स प्राप्त होगी। लेकिन क्वेश्चन का कहने का लैंग्वेज नहीं है कि किसी संख्या का 16%, किसी संख्या का 16% का मतलब, इसका मतलब ये हो गया कि 21 में किसी संख्या एक्स का 16% जोड़ दिया जाए तो संख्या स्वयं एक्स प्राप्त होती है, यही ना कहने का मतलब तो यही आ रहा है। तो आप बताइए कोई संख्या है एक्स, एक्स का 16% 21 में जोड़ दिया जो संख्या स्वयं प्राप्त होती है, तो आप बता सकते हैं यहाँ पे 21 बराबर एक्स माइनस, यहाँ पे एक्स का 16% घट जाएगा यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, ये 100% है, ये कितना हो जाएगा, तो ये 21 हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बटा बनाने की कोशिश में है तो एक्स, और ये 16/100 हो जाएगा, ये देखिए 16, ये 100, 100 में से 16 गया है 84, और ये 84/100 एक्स बटा 21, 21 चौका 84, 4 से काटा ये 25, ये आएगा 25x। तो आप समझ सकते हैं कि x का मान कितना आएगा, कहीं कहने के बाद संख्या हमारी क्या आएगी, संख्या आएगी 25। तो ये ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा संख्या हमारी क्या है 25, लेकिन समझ से परे लग रही थी किस तरीके से क्वेश्चन बोला गया। तो आप एक बार ध्यान से देखिए, मैं नॉर्मली ऐसे करा रहा हूँ कि 16% का मतलब कितना होता है 4/25, कि 25 में 4 क्या किया गया, जोड़ा गया होगा, नहीं वो कौन सी संख्या थी जिसमें जोड़ा गया होगा, तो ये मिली 25, मतलब 21 में जोड़ा गया होगा, 21 में 4 जोड़ा गया 25 होगा, आंसर सीधा सीधा आ गया, मतलब 21 रही होगी तो 4 जोड़ा गया होगा भाई, 16% जोड़ा गया मतलब, तो ये 25 मिले, मतलब 21 रहा होगा, 21 था, 21 में 4 जोड़ा गया तो ये 25 हो गया, सीधी सी बात, आंसर 25 आ रहा है, कुछ करना नहीं, इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे टाइम टेकिंग होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा, किसी 5 सदस्य वाले परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है, परिवार का सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का है, जब सबसे छोटा सदस्य पैदा हुआ तब परिवार की औसत आयु क्या थी। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा भी है, तो जरा आप ध्यान से देखने का प्रयास करें आप लोग। किसी 5 सदस्य वाले परिवार की औसत, औसत जो होता है प्रत्येक को डिनोट करता है, 5 की औसत आयु, कुल मिला के 5ों की योग आयु कितनी है आप देख सकते हैं 100 वर्ष। परिवार का सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का है, सबसे छोटा, जब सबसे छोटा सदस्य पैदा हुआ, कहने का मतलब आज देखा जाए यहाँ पे कि मतलब इस समय की बात करूँ कि 5 लोगों का, 5 का आयु, आयु का योग जो है, आयु का योग जो है वो क्या है 5×20=100 पॉइंट्स, और कह रहा परिवार का छोटा सदस्य 10 वर्ष का, मतलब ये 10 साल पहले की बात हो रही सर, 10 साल पहले, 10 साल पहले की बात हो रही, 10 साल पहले ये जन्म हुआ, पैदा हुआ होगा ये इंसान 10 साल पहले, पैदा हुआ कि 0 साल, 10 साल बाद यहाँ आया होगा, 10 साल बाद, 10 साल बाद 5 लोगों की आयु 100 साल की हो गई। तो कह रहा सबसे छोटा परिवार, तो परिवार की औसत आयु क्या थी, तो आप बोल सकते हैं कि 5 इंसान 5ों 10-10 साल कम हो जाएंगे, 100 साल होगा तो 5ों इंसान 10-10 साल कम होंगे 50 होगा, हर इंसान 10-10 साल बड़ा होगा 10×50 सीधा। तो कह रहा है कि चारों की आयु कितनी होगी, अब देख सकते हैं यहाँ पे, तो कह रहा कि तब परिवार की औसत आयु क्या थी, जब सबसे छोटा सदस्य पैदा हुआ तब परिवार की आयु थी, अच्छा 50 है यहाँ पे, आप देख सकते हैं 50 और 5 लोगों से डिवाइड किया जाए 5 बराबर भागों तो कितना 10 वर्ष है, तो परिवार की आयु 10 वर्ष थी, लेकिन बाद में कितनी हो गई 20 वर्ष थी, भाई 10 वर्ष थी, देखो 50 साल थे, हर इंसान 10-10 साल बढ़ा, 10-10 साल बढ़ा, 10-10 साल, तो 5×50 हो गया, 50 पहले से 100 साल के हो गए देखिए, और 100 साल को 5 से भाग किया तो 20 आ गया, पहले कितनी थी औसत आयु 10 वर्ष, तो ये आ गया ऑप्शन 10।
क्वेश्चन नंबर 134, एक एन भुजा वाले बहुभुज के किसी सिर से खींचे गए एन विकर्णों की संख्या जो होती है, मैं आपको बता दूं, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो आपको एन विकर्णों की संख्या निकालने के लिए एन एन माइनस थ्री बाई टू आप ये करते हैं, तो ये आप निकलवा दूंगा। यहाँ पे एक व्यंजक की बात करूँ तो ये होता है, ये कैसे आता क्यों आता मैं ज्योमेट्री में एक चीज़ें डिफाइन कर दूंगा। एक ये सूत्र आपको याद करना नहीं पड़ेगा, बस याद रखिए विकर्णों की संख्या कभी भी डायगोनल संबर आप डायगोनल से निकालना है तो इस तरह एन एन माइनस एन क्या होता है भुजाओं की संख्या से होता है। तो इसकी व्यंजक की बात करो फैक्टर तो एन माइनस थ्री ऑप्शन नंबर आप में दिख रहा है डी। अगला कह रहा है यदि एन एन प्राकृतिक संख्याओं के मध्य मध्य जो है माध्य कितना है 15 है तो एन का मान क्या होगा। एन प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, माध्य मतलब समांतर माध्य की बात कर रहे हैं, तो वन से वन फिर टू प्लस ऐसे ऐसे एन, इसका माध्य जो होता है प्रथम प्लस अंतिम बटा दो, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं जो होती क्रमागत होती पहली प्लस अंतिम बटा दो बराबर 15। तो आप देख सकते हैं 15 × 2 = 30, पहली प्लस अंतिम बटा दो ये क्या होता है संख्याओं का माध्य निकालने का तरीका होता है। ये दो गुना करेंगे तो 1 + n = 30 और एक माइनस हो जाएगा तो एन बराबर कितना हो जाएगा 30 - 1 बराबर हो गया 29 तो n की वैल्यू जो आई 29 संख्या आ गई 29। तो ऑप्शन में 29 सीधा सीधा दिख रहा है। क्वेश्चन में 136 कोड ज्ञात कीजिए जो अपने कोटिपूरक के बराबर, कोटिपूरक जो था जो एक दूसरे को कोटि कोटि न, ऐसे हस्बैंड वाइफ का जोड़ा जो एक दूसरे को कोटि कोटि नमन करे सर तो कोटिपूरक कोड कहलाता है, या ऐसे दो कोड जिनका योग 90 डिग्री हो, तो कोटि कोटि मतलब भाई 90 का दो बराबर भाग हो तो इसका मतलब 45-45 होगा, 45-45 होगा तभी एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं, मतलब कोटिपूरक के बराबर होने वाला आंसर क्या होगा 45। अगले क्वेश्चन की बात करूं 136, तो क्वेश्चन नंबर जरा देखिए यहाँ पे, अभी आपको बहुत ज़्यादा कर्डी का क्वेश्चन है, थोड़ा क्रिटिकल लगता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे 3 + √7 और 3 - √7 C + D √7, तो C और D का मान पूछा है। अब बताइए यहाँ पे क्या कर दूँ, क्या हो सकता है, हर से कर्डी को ख़त्म करने का उद्देश्य हमारा, तो आप यहाँ पे क्या हो सकता है जल्दी से क्वेश्चन आ जाए। आप जरा देखिए 3 + 3 ना हो जाएगा, ये स्क्वायर किया जाए और ये जो है यहाँ पे ये क्रिटिकल थोड़ी केसेस बन रहे हैं, ये अब 4 × 16 और 16 × 7 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये आपका मिसप्रिंट नंबर भी है यहाँ पे, ये आपका हटा दिया जाए तो वैल्यूएशन हो जाएगी, ये थोड़ा मिसप्रिंट भी है, इसको यहाँ पे हटाया जाए तो अब देखिए कर्डी बहुत आसानी से काम करेगी। और ये 3 का मतलब √9 लिख लूँ प्लस √7 और यहाँ पे √9 और माइनस √7, देखिए ये होना चाहिए, 3 का मतलब √9 रहा होगा, 3 का मतलब √9 रहा होगा, वही चीज़ प्लस में वही चीज़ माइनस में। परिमेयकरण करूँ तो परिमेयकरण के लिए मैंने बताया था तो अंदर के दोनों नंबरों को जोड़ लेंगे 9 + 7 = 16 हो जाएगा, और प्लस है ऊपर तो प्लस लगा लेंगे, 2 × दोनों गुणा कर लेंगे 9 × 7 = 63, लेकिन 63 के पहले देखिए जब दोनों को 9 + 7 का गुणा करें 9, तो भाई 9 का मतलब कितना √9 √7, इसका मतलब देख रहे हैं 9 का मतलब 3 बाहर हो रहा है पहले से, तो 3 बाहर हो रहा है पहले से 3 ये बचा, इसका मतलब 16 + 6 √7 बराबर क्या आ रहा है यहाँ पे C + D √7। तो आप देखिए सी का मान कितना 16 आ गया और डी का मान सब कितना आ गया 6 आ गया, बस कुछ करना नहीं है। तो C + D का मान पूछा है, C का मान 16 और D का मान 6, तो 6 कितना आ गया 22, तो इस अकॉर्डिंग हम आंसर को निकाल सकते हैं, तो C और D का मान आ गया। और आप पूरा क्रिटिकल केसेस करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है, अब आप 4 लगा के देखिए, देख रहे हैं आसानी से आंसर आ गया, 4 करने की बात करेंगे जिस तरह आपसे क्वेश्चन को लिखा गया है -3, तो उसको मैं करके दिखा देता हूँ, नोट कर लीजिएगा इसको। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में जो ये लिखा हुआ है 3 + √7 / 3 - 4 √7, तो इसका मतलब परिमेयकरण करना पड़ेगा 3 - √7 और 3 - 4 √7, निगेटिव है पॉजिटिव से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तब a² - b² आएगा, तो 3 का² 9 हो जाएगा माइनस 4 × 16 और ये 7 हो, a² b² का मतलब ये हो गया, ऊपर देखिए इन दोनों गुणा करेंगे 3 × 9 हो जाएगा, इससे करेंगे 3 √7 हो जाएगा, फिर इसका इससे करेंगे 4 × 3 = 12 हो जाएगा √7 और ये नेक्स्ट आएगा 4 और √7 √7 7 हो जाएगा, क्लियर। अब आप यहाँ पे देखिए
7 × 28, 28 को 9 में जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा? 28, 28 और 9 कितना हो गया? 37। देख सकते हैं कितना आएगा, 37। और 37 के बाद अब यहाँ पे देखिए रूट, ये देखिए जोड़ लीजिए, 12 और 3 15, 15 √7, और नीचे हो जाएगा यहाँ पे 16 7। अब जैसे ये चीज़ें नहीं आ रही हैं आपको, ठीक है, तो यहाँ पे 9 माइनस, यहाँ पे सीधा इधर कर लेता हूँ, 9 − 16 √7, यहाँ पे 7 × 42 कर लेना है ऐसे, और यहाँ पे 7 × 4 = 11 और माइनस, तो जब माइनस 9 माइनस करेंगे तो देखिए 9 − 9 = 3 = 12 होता, तो 103 बचेगा भी निगेटिव, तो यहाँ पे आ गया −103। तो ये जो नंबर है C + D√7 के बराबर है, क्लियर। तो आप एक चीज़ देखने का प्रयास करें, सी का मान भाई वहाँ 1 कर सकते या अलग अलग डिवाइड भी कर सकते, ये भी मान होगा, ये भी मान होगा इसका। तो आइए यहाँ पे बात करूँ मैं इधर कि 37 + 15√7, इधर भी −103 आएगा, इधर भी −103 आएगा, और ये C + D√7 की बात कर रहा हूँ। तो C का मान आप ये वाला हो गया, और D का मान क्या हो गया, ये वाला हो गया, बट रूट सात हटा देंगे। तो C + D का मान से पूछूं तो C का मान −37/103, और प्लस की बात करूं यहाँ पे 15 − −103 आ गया। बस आप ये जोड़ सकते हैं, 7 × 5 = 12 और 3 × 1 = 4 = 5 बटा हर समान है तो −103 लिख लीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि 152 / −103, तो ये ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा सीधा सीधा 52 / 103, वो भी निगेटिव में कोई आंसर जो आ रहा होगा वही आपका ऑप्शन सही होगा। तो पहला ऑप्शन है निगेटिव नहीं लगा हुआ, थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे निगेटिव लगा लीजिएगा, तो 52 / 103। इसके अलावा किसी में ऑप्शन नहीं दिख रहा, 7 और 5 = 12, ठीक है। तो आप ये करके करते हैं इस तरीके से, उसके अकॉर्डिंग करते हैं आपका 22 ऑप्शन किया कि 4 हटाने के बाद, बट यहाँ पे आ रहा तो ठीक है, बट इतना क्रिटिकल आप में नहीं आता पीआरटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं, मिटा रहा हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर √7 + 6 और √7 − √6 + 200 का मान ज्ञात कीजिए। अब बात करते हैं यहाँ पे √7 √6, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे आ सकता है, पहली बात तो यहाँ मिस्टेक हुई है, यहाँ पे अंडर रूट नहीं लगा हो, इसको सही कर लीजिए। a + b a - बनेगा तभी रूट खत्म हो सकता, सीधी से आपको भी पता होगा, a + b a - b का मतलब समझ गए, √7 2 − √6 2। तो यहाँ रूट नहीं चढ़ा था, पहली बात यहाँ मिस्टेक है, इसको सही करिएगा, 138 का, और प्लस यहाँ पे 200। आप बताइए यहाँ पे 7 हो गया −6 हो गया +200 हो गया, 7 में से 6 गई 1 हो गया और 200 हो गया = 201 हो गया। तो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा सीधा सीधा 201 पहला ऑप्शन आ रहा है। अगला क्वेश्चन 139 की बात करूँ, कैसे पावर ये छोटी बड़ी भिन्न की बात कर रहे हैं, तो छोटी बड़ी भिन्न कैसी होगी उसकी बात करूँ, मिटा दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ पे √2 है, 4 × 1/3 है, 5 × 1/4 है और 3 × 1/6 ये है। अब इसकी पावर्स की बात करूं तो देखिए रूट का मतलब आप समझ रहे होंगे 1/2, तो 2 × √2 है, स्क्वायर रूट मतलब 1/2। अब इसके हर को ख़त्म करना हमारा उद्देश्य, 1/2 1/3 1/4 1/6, इसको हर को ख़त्म करना है हमारा उद्देश्य, 2 2 का 3 का 4 का 6 के पहाड़े में आएगा 12, तो 12 × इधर, 12 × इसके पावर में, 12 × इसके पावर में और 12 × इसके पावर, इसका पावर 6, इसका पावर 4, इसका पावर 3 बचेगा, इसका पावर 2 बचेगा। 2 आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 × 2 आ रहा है, 3 × 2 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और यहाँ पे 5 × कितना आ रहा है, 3, 4 × 4 और 2 × 6। अब यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं कि छोटा कौन सा होगा बड़ा। अब आप देखिए 3 × 3 = 9, 5 × 5 = 25, 4 × 16 = 64, भाई 4 को 4 बार गुणा करना, 4 × 16 = 16, 256 हो गया। यहाँ पे करिए देखिए 6 × 2 = 4, 4 × 16 = 64, कुल मिला 64 आएगा, 6 बार गुणा करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि सबसे छोटी संख्या, आप सबसे छोटी दिख रही होगी कौन सी है, तो आप देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन रहा होगा। तो ऑप्शन में दिया हुआ 3 × 1/6, ऑप्शन नंबर डी है एकदम राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 140,
140 नंबर क्वेश्चन की बात करूं अगला 140 140 5 1 3 2 4 1 6 सिक्स के बाद में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि यहां पे क्या होगा, तीन से विभाजित है, संख्या तीन से विभाजित है तो अंकों का योग तीन से विभाजित होना चाहिए। अच्छा मान लो 729 कट रहा है तो आप पूरा जोड़ने के बाद काटो, चाहे ऐसे जोड़ जोड़ के, भाई 6 और 9 अलग अलग कट रहा है तो जोड़ने के बाद भी कटेगा सर, 15 अलग अलग कट रहा है तो जोड़ने के बाद भी कटेगा, तो मैं ऐसे काट रहा हूँ इसको। अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, देखो 3 भी जोड़ने के बाद भी, 4 और 2 6 भी, और 6 भी, और 5 1 6 बचा हमारे पास 1। बताओ एक में कितना जोड़ दूँ 3 बन जाए। ऑप्शन में अकॉर्डिंग देखेंगे, यदि यहाँ पे 8 रख दिया जाए बात बन जाएगी, राइट आंसर। एक में 6 कर दिया जाए नहीं बनेगा, दूसरा ऑप्शन। एक में 7 कर लिया जाए नहीं होगा, 9 में 1 कर लिया जाए, तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही है कि एक में 8 जोड़ दिया जाए तो सबसे बड़ा अंक होगा सिर्फ, पहला ऑप्शन पहला राइट आंसर होगा। अगला वाला क्वेश्चन की बात करूं कि 141 दो क्रमागत संख्याएं 6:11 के अनुपात में इनका लाशा दिया हुआ है तो इनका माशा ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा यहाँ पे तो 6:11 के अनुपात में है, यदि इनका लाशा एलसीएम तो आप ऐसे मोल लिया ना कि पहली संख्या 6x दूसरी संख्या कितनी हो गई 11x, इनका एलसीएम कितना आएगा आप देख सकते हैं, दोनों कॉमन है x x हो गया, जो कॉमन नहीं है 6 और 11 इसको भी कर सकते हैं, 6 और 11 देख रहे हैं ये एलसीएम हो गया। और एलसीएम एक्चुअल में एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ कितना सर 462 दिया हुआ है, ठीक है, और 11 से विभाजित कर सकते हैं 11 6 44 और 2 11 2 22 6 47 42 तो एक्स बराबर कितना हो गया 7। जो दोनों में कॉमन है वो क्या है एचसीएफ है, जो दोनों में कॉमन है वो क्या है एचसीएफ है, तो एक्स का मान कितना आ गया 7। तरीका इसके अलावा भी मैंने बताया तो एलसीएम बराबर एचसीएफ और ब्रेकेट में दोनों संख्याओं का गुणनफल, क्लियर। तो आगे कुछ क्वेश्चंस बचे हुए, ठीक है, तो आगे बात करता हूँ क्वेश्चन में। नेक्स्ट, यहाँ पे दो भाइयों की आयु का योग तथा अंतर दोनों ही ऋढ़ संख्या है, दोनों क्या है योग करने पर अंतर करने, यदि बड़े भाई की उम्र 23 वर्ष है तो छोटे भाई की उम्र कैसी होगी। भाई योग अंतर दोनों ऋढ़ हो गई तो 23 वर्ष एक का है, 23 वर्ष एक का है तो बताइए अगला 8 हो ही नहीं सकता ऋढ़, 12 हो नहीं सकता, 21 हो नहीं सकता। तो यहाँ पे कह रहा है योग का मतलब ऐसा, भाई 8 जोड़ूं 8 और 3 कितना 11 और ये 3 31 ऋढ़ संख्या राइट आंसर आ रहा है। अच्छा इसका मैं अंतर करता हूँ 23 में 8, आप जरा देखिए यहाँ पे 23 अंतर कर लेता हूँ तो ये आएगा 15 जो बात बन नहीं पाएगी, तो 8 तो कभी हो ही नहीं सकता। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें क्वेश्चन नंबर 12 कि 12 की बात करो तो 3 में से 2 गए 1 और 2 में से 1 गए 1, 11 तो बन रहा है सॉरी जोड़ने के 3 2 5 और 2 1 3 35 कभी ऋढ़ बन ही नहीं सकता यहाँ पर भी, तो यहाँ पे 12 भी नहीं हो सकता जोड़ने पर। अगला 18 की बात करूँ 8 3 11 हो जाएगा सॉरी हाँ और 2 1 3 1 4 41 राइट आंसर, लेकिन 18 यहाँ घटाया जाए कितना हो गया आप देखिए, घटाने पे सर 8 और 5 यहाँ पे राइट आंसर देखिए ऋढ़ संख्या दोनों बन रही है, ठीक है, तो जोड़ने और घटाने पे दोनों ऋढ़ संख्या बन रही है। अगले तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा 18 होगा, क्लियर, और यहाँ पे ऑप्शन क्या आया था 7 उसके ऊपर वाला। क्वेश्चन नंबर 143 की बात करूँ तो 143 में यदि एक वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई बढ़ाई जाती है, परिधि का मतलब आप देखिए दोगुना हो रही है, 4 पाई से 8 पाई हो रही है, कहने वाले इसकी त्रिज्या देखिए इसकी परिधि 2 पाई आर होती है, 2 पाई से देखिए आर बराबर यहाँ पे कितना आ गया 2 और इसकी हो गई 2 पाई आर त्रिज्या होती है, ये 8 पाई हो गई, तो 2 चौक 8 त्रिज्या 4 है, इसकी त्रिज्या 2 है, 4 गुने का अंतर, 2 दूना 4 2 चौक 8 है ना। तो कह रहा कि क्वेश्चन इसके क्षेत्रफल में कितने गुने का अनुपात होगा, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, मतलब हमारे कहने के मतलब त्रिज्या पाई आर स्क्वायर होती है, उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, इसका भी क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा, त्रिज्या पे जैसे त्रिज्या इसको 4 रखेंगे होल स्क्वायर करेंगे, पाई से पाई तो बराबर कॉमन है कोई मतलब भी नहीं, और यहाँ पे त्रिज्या 2 का होल स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 4 ये 16 देखो कितने गुने का 4 गुने,
मतलब इसका क्षेत्रफल त्रिज्या 4 है, स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएंगे, इसकी त्रिज्या 2 है, इसका वर्ग करेंगे 4, ये 4 क्षेत्रफल आएगा, इसका क्षेत्रफल 16 आएगा, तो 4 गुने का अंतर है, सॉरी 4 गुना हो रहा है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि एन के विषम पूर्णांकों होने पर निम्नलिखित में से कौन सा एक सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है, कुल मिला के सम पूर्णांक है। अगली बात करता हूं, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट, यहां पे ऑप्शन नंबर सी को चेक कर लिया जाए कि एन बराबर, यहां पे कह रहा है एन बराबर कौन सा विषम रखा जाए, एन बराबर विषम कोई रख दिया जाए, 1 रख लो, 3 रख लो, 5 रख लो, विषम कोई नंबर रख लो, तो हम ऑप्शन नंबर 3 में चेक कर लीजिए, एन स्क्वायर प्लस 5, 3 एन मतलब 1 रख लो, 1 का स्क्वायर प्लस 5, तो देख रहे हैं तो कैसी होनी चाहिए, एक सम संख्या मिलनी चाहिए, तो 3 और प्लस 5 बराबर 8, और किसी में आप रख के देखिए कोई संख्या विषम, एन का मान कोई रख के देखिएगा, नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 144, काजोल एक घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती, ये भी क्वेश्चन आ चुका है इसके पहले, तो मैं मिटा रहा हूँ इसको क्वेश्चन को, एक घंटे में 1 आवर्स में 1/3 भाग पढ़ती है, वह किताब को 1/5 घंटे में कितना भाग पढ़ेगी, तो कितना भाग पढ़ने को शेष बचता है, वह किताब को इतना भाग, जब 1 घंटे में इतना पढ़ती है सर, तो 1/5 घंटे में कितना, 1/5 घंटे में 2×5 = 10 है, 11/5, तो 11/5 घंटे में कितना पड़ेगी, एक घंटे में 1/3, 5/11 घंटे में आप समझ गए 11/5 मतलब 11/15, 15 भाग पड़ती है, तो शेष कितना बचा, जब आपको पता है 15 टोटल है और 11 को प्रदर्शित करता है, 15 में से 11 हुआ तो शेष कितना बचा, 4/15, तो 4/15 भाग क्या बचा हुआ है, शेष बचा हुआ, आप समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 146, बस 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, देख लीजिए, यदि एक संख्या से 1/2 घटाया जाए और तत्पश्चात 1/2 से गुणा किया जाए तो संख्या 1/8 में बदल जाती है, 1/8 में बदल जाती है, तो अगले क्वेश्चन की बात करता हूं यहां पे कि संख्या एक्स है, एक्स में से 1/2 घटाया गया, फिर 1/2 से गुणा किया जाएगा, 1/8 हो जाएगा, देखिए हर में 2 और चौकाठ ही है, एक्स बराबर कितना हो गया 1/4 और 2 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा बराबर में, इधर गया तो हर समान कर लीजिएगा, हर देखिए कैसा हो गया 4, इसमें करेंगे अंश और हर में 2-2 से गुणा तो 2×1 कितना हो जाएगा 3, तो एक्स बराबर 3/4, तो ऑप्शन यहाँ पे 3/4 आएगा पहला, तो 2 अंक। अगला क्वेश्चन 147, 2 क्वेश्चन और बचे, लास्ट 2 मिनट का और काम बचा हुआ है, उसके बाद ये, इसके बाद मैं इसके पहले जितनी एसटीआई हुई थी 8 और 7 उसको भी डाल दूंगा। 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 9 है, यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है, करवा भी चुका हूँ, तो जरा ऑप्शन को चेक कर लो कि 54 है सर, 54 में 27 जोड़ दिया जाए तो क्या क्रम बदल रहा है, 7, 4, 11, 5, 2, 7, 1, 8 कभी नहीं, क्या 54 के जगह ये 45 हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो ये पहला ही ऑप्शन गलत है। 27 की बात करें, 27 पे 27 जोड़ दिया जाए, 7, 4, 7, 7, 14, 2 कभी नहीं हो रहा है 54, तो ये भी दूसरा ऑप्शन भी गलत है। 63 की बात करूँ, यहाँ पे 27 आप जोड़िए, 7, 3, 10 हो रहा है, 6, 2, 8, 1, 9 हो रहा है, तो ये भी नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन 36 का ऑप्शन है, यहाँ पे 27 जोड़ा जाए, 7, 6, 13, 3, 2, 5, 1, 6, तो 63 के जगह 36 के जगह 63 हो रहा है, देखिए जोड़ने पे एकदम राइट ऑप्शन, चौथा वाला ऑप्शन डी वाला एकदम राइट है। अगला वाला क्वेश्चन की बात करो, क्वेश्चन नंबर 48, लास्ट क्वेश्चन सर, पूरा हो गया ये, मैथ का सेक्शन नहीं है, हाल ही में केंद्र सरकार के सार्वजनिक, तो मैथ का क्वेश्चन नहीं, पूरा कंप्लीट हो गया, तो धन्यवाद, ये पूरे कंप्लीट हुए, अगली वीडियोस मैं डाल दूंगा ये, और कोई प्रॉब्लम आती है तो तरीके तो मैं अपने ही फॉलो करूंगा, आपको पता ही होगा, बट हमसे जो पढ़े होंगे शायद समझ में आया होगा, एक बार पूरा सेक्शन पूरा हो जाने दीजिए पहले पीआरटी का हर चीज़, तो इसीलिए एसटी सॉल्व कराने के, मतलब पहले तरीकों को हमारे समझेंगे तो उसके बाद समझने का प्रयास करेंगे अच्छे से, तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं, थैंक यू।